بسم الله الرحمن الرحيم القرآن حياتي The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, Allah ke fazl o karam se aaj hum surah At-Tauba ki ayat number 1 to 6 dekhte hain. कि अल्लाह सुभान ताला ने इसमें क्या मैसेजेस हमें दिए हैं इंशाल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला ताल्लुक़ का ऐलान कर दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों के लिए अहद किया तुमने जिन मुशरिकों से. आयत नंबर 2 फसीहू फिल अर्द अरबअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाहि वअन्नल्लाहा मुखज़िल काफिरीन. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ऐलान के बाद तो घूम फिर लो ज़मीन में 4 महीने और जान लो कि तुम आसिस नहीं कर सकते हो अल्लाह को, और ये भी जान लो कि अल्लाह रुस्वा करने वाला है ना फरमानों को. आयत नंबर 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے سامنے حج کے بڑے دن. اور اعلان کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ بے تعلق ہے, اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے مشرکوں سے اور اس کے رسول کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اگر تم باز آ جاؤ तो ये बेहतर होगा तुम्हारे ही लिए, और अगर तुम फिर जाते हो यानी अल्लाह के हुक्म को मानने से फिर जाते हो तो जान लो कि तुम आसिस नहीं कर सकते हो अल्लाह को, और ख़बर दे दो नाफरमान काफिरों को, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है. आयत नंबर 4 इल्लल्लज़ीना अहद तुम मिनल मुशरिकीन थुम लम यंकुसुकुम يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں कि कौन है ये दर्दनाक अज़ाब से बचेगा. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सिवाय उन लोगों के अहद किया तुमने जिन मुशरिकों से, फिर नहीं वो कमी करते हैं तुम्हारे साथ अहद में कुछ भी, और नहीं जो है वो मददगार बनते हैं तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी के भी. तो फिर तुम पूरा करो उनके साथ उनके किए हुए अहद को उनके मुद्दत तक. बेशक अल्लाह पसंद करता है अहद शिकनी से बचने वालों को, अहद को तोड़ने से बचने वालों को. आयत नंबर 5 فَإِذَنْ سَلَخُ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. फिर जब गुजर जाए हुरमत वाले महीने तो जंग करो मुशरिकों से जहाँ तुम पाओ उन्हें,
और जो है वो गिरफ्त में ले लो उन्हें और घेराव करो उनका और बैठे रहो उनके लिए हर घात की जगह पर। फिर अगर वो तौबा कर ले और क़ायम करे नमाज और अदा करे ज़कात तो छोड़ दो उनका रास्ता, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला रहम करने वाला है। आयत नंबर 6। وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِعْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ। آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں और अगर कोई यानी कि थोड़े बहुत मुशरिकीन में से पनह मांगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो पनह दे दीजिए उसे, यहाँ तक कि वो सुन ले अल्लाह का कलाम, फिर पहुँचा दीजिए उसे उनके अमन के मकाम तक। ये इसलिए कि ऐसे लोग हैं ये जिन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुह। इंशाल्लाह शुरू करते हैं सूरह तौबा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتح رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين। الحمد لله یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے कि काफ़ी वक्त के बाद जो है अल्लाह सुबहाना ताला ने जो है हमें फिर से मिलाया, हम जो है अल्लाह के कलाम को पढ़ने पढ़ाने के लिए जो है वो एक साथ फिर जमा हुए अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह तौबा से इंशाल्लाह हम जो है अभी आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं, इसका क्या जो है वो कब ये जो है वो नाजिल हुई। तो सूरह तौबा देखिए कि मदनी दौर के जो है वो आखिर में ये सूरत नाजिल हुई है, तकरीबन 9 हिजरी में जो है वो नाजिल हुई है। और इंशाल्लाह थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ये कि इसमें जो टॉपिक आया है बिल्कुल शुरू में उसके पीछे थीम क्या था। तो देखिए कि 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया हुआ था तो उसका रीज़न क्या था, वो इंशाल्लाह सूरह फतह में जाकर हम लोग जो है वो देखेंगे कि जब 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने ख्वाब दिखाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने सर के बाल मुंडवा रहे हैं, अहराम बांधे हुए हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, तो देखिए कि रसूल और अम्बिया के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं। तो उस बेस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा को लेकर तकरीबन जो है वो उमरे के लिए निकल गए, क्योंकि हज का तो कोई सीज़न नहीं था, उमरे के लिए निकल गए। अब वहाँ पर जो मुशरिकाने मक्का थे उन लोगों ने क्या किया कि उमरा करने नहीं दिया। उन्हें ये लगा कि ये हम पर जो है वो हमला करने आए हैं या फिर हमें कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमान जो थे वो कुछ भी अपने साथ ना हथियार ले गए थे ना कुछ नहीं, क्योंकि भाई वो तो उम्रे की नियत से गए थे। ठीक है, करने नहीं दिया उम्रा, बहुत गमज़दा हो गए सहाबा भी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। इन डिटेल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बताना मकसूद इसलिए है क्योंकि आयतें जो है उससे रिलेटेड हैं। देन उसके बाद जो है देखे कि मक्का में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल रहे, मगर जो है वो मदीना आने के बाद भी 8 साल तक, यानी जब मक्का में आते जाते थे उस वक्त तक भी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी जो है वो मक्का वालों को कभी टोन नहीं किया या फिर उन पर जो है उनके बुतों को नहीं तोड़ा। हालांकि उस वक्त भी यानी 8 हिजरी तक भी देखे कि ये जो मक्का वाले थे नाउज़ बिल्लाह, इनका जो इबादत का तरीका हम पीछे पढ़ चुके, पीछे हमने पढ़ा सूरह अनफाल में पढ़ा सूरह जो किस तरीके से उन सीटी बजाना, बरहना, तवाफ़ करना, नाउज़ बिल्लाह इस तरीके की उनकी इबादतें हुआ करती थी, लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन जब सुलह ये जो है 6 हिजरी में उसके बाद जो है यानी कि इस बेस पे जो है वो सहाबा को जाने दिया गया कि एक जो है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको जो है वो सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। और सुलह हुदैबिया में जो पॉइंट्स लिखे गए थे वो सारे के सारे जो है वो काफिरों के फेवर के थे, सारे के सारे पॉइंट्स।
सब पॉइंट्स पर, सारे जो उनके मुहादों पर जो भी उनके वादे लिए जा रहे थे वो लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाँ ठीक है हाँ ठीक है सब पर जो है वो हाँ हाँ कहते गए। और उसके बाद हालांकि इस बात पर भी सहाबा बहुत नाराज़ हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी इंशाल्लाह सूरह फतह में हम जो है वो इंशाल्लाह देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस माहदे में, उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे कि तुम जो है दुश्मन कौम के ख़िलाफ़ में जो है वो एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। लेकिन वो 10 साल का माहदा था, 10 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन 2 साल में ही इन ये जो कुफारे मक्का थे इन्होंने एक ऐसा जो है अमल किया, एक ऐसा अमल किया 2 साल यानी 8 हिजरी में कुछ ऐसा एक अमल उनसे हो गया कि जिसकी वजह से उन्होंने एक अहद को तोड़ दिया था, एक माहदे को उन्होंने तोड़ दिया था। अब इसकी सीआईडी अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि ये जो कुफारे मक्का है इन्होंने क्या किया है, एक अहद तोड़ा है, इन्होंने जो है आपके खिलाफ किसी दुश्मन कौम की हेल्प की है। हालांकि मना किया गया था कि नहीं किया जाएगा ऐसा सब, ठीक है चले। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अल्लाह के हुक्म से खुफिया तौर पर जो है लश्कर लेकर उनके ऊपर जो है यानी कि हमला करने के लिए, यानी क्यों, क्योंकि क्लियरली उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के वादे को तोड़ा था, ठीक है। उस बेस पे जो है वो जो है चुपके से यानी कि इस तरीके से जो है लश्कर ले जाया गया। और फिर उसके बाद जो है वो 8 हिजरी में जो सूरे ये अपना फतेह मक्का हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक अहद को तोड़ने की वजह से, एक अहद उन्होंने तोड़ा और उसके बेस पे अल्लाह सुभान तआला ने मक्के को जो है वो फतेह करवा दिया। जब देखिए कि उसके बाद जब यानी कि जब फतेह मक्का हो गया उसके बाद जब अगले साल हज का महीना आया, बिल्कुल ये जो आयतें इंशाल्लाह हम सूरह तौबा की जो शुरू की आयतें देखेंगे वो 9 हिजरी की हज के मौके पर जो आयतें वो नाजिल हुई थी। अब क्या हुआ कि उसके बाद 9 हिजरी आई, 9 हिजरी जब आई और हज का मौका आया जब, तो ये जो बैतुल्ला था ये पहले मुसलमानों के कब्ज़े में नहीं था, ये सब कुफारे मुशरिकाने मक्का के कब्ज़े में था। अब देखिए कि अब ये मक्का, ये बैतुल्ला, ये सब जो है मुसलमानों के कब्ज़े में आ चुका था। अब उसके बाद जो है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है काफिर अपने ही तौर तरीक़े पर इबादत किया करते थे। अब यानी कि ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि शुरू की आयतें जब आप सुने तो इंशाल्लाह आपको बात समझ आ जाए। अब क्या हुआ कि जब उसके बाद जो है यानी कि उन्हें जो है वार्निंग दी गई, अब मक्का की हुकूमत, ये बैतुल्लाह की सारी जो है हुकूमत, ये मुसलमानों के हाथ में आ गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के हाथ में आ गई। अब उनको जो है यानी कि मौका दिया गया, उनको चांस दिया गया कि तुम्हें जो है अगर यहाँ पर इस मक्का की सरजमीन पर रहना है तो फिर तुम्हें टैक्स देकर रहना पड़ेगा। और उन्हें 4 महीने की मोहलत दी गई। बिल्कुल आप सोचिए कि ये आयतें जब उतर रही थी सूरह तौबा की शुरू की, तो वो हज के समझिए कि आप जिल हज्जा की 10 तारीख को उतरी आयतें, उस दिन से काउंट किया जाएगा 4 मंथ। वो 4 मंथ जब काउंट किया गया तो उन्हें जो है 4 महीने की मोहलत दी गई कि अब तुम यहाँ पर ठीक है 4 महीना रहो, विद इन ए 4 मंथ्स तुम या तो दीन इस्लाम को कबूल करो या तो फिर इस जगह को छोड़कर चले जाओ। ये उनको एक चॉइस दी गई थी। फिर क्या हुआ इस तरीके से इंशाल्लाह जो है हम आयतों के जरिए और थोड़ी सी मालूमात अल्लाह के हुक्म से जो है वो लेंगे। तो अपनी सूरत की तरफ हम आते हैं और देखते हैं सूरत के साथ साथ कि अल्लाह सुभान ताला ने सूरत में क्या फरमाया है। सूरत तौबा, ये जो है अगर हम कुरान के जो है वो सीरीज में इसको देखें तो 9 नंबर की सूरत है ये, और इसमें आयात 129 है, रुकू इसमें 16 है, और तकरीबन 17 टाइम्स 17 मरतबा तौबा ये वर्ड इसके अंदर आया है। बड़े खूबसूरत तरीके से जो अगर हम देखें तो इसमें 3 स्पेशल सहाबा की जो है वो तौबा का जिक्र किया गया है, बहुत स्पेशल तरीके से। इंशाल्लाह उन आयतों पर हम पहुँचेंगे, आखिर की आयतें हैं तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। एक बात यहाँ पर कि सूरत तौबा जो है उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी हुई है, एंड व्हाट्स द रीज़न। इसकी 2-3 वजूहात जो हमें तफासीर में और स्कॉलर्स से मिलती है। सबसे पहला रीज़न तो ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसी तरीके से लिखवाया, वो भी अल्लाह के हुक्म से होगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ना लिखा ना पढ़ा
तो उम्मत को भी चाहिए एज इट इज इसको उसी तरीके से पढ़े। ओके, फिर दूसरा रीजन ये कि इसमें बहुत जगह पर जो है यानी कि जो ये कुफारे मक्का इन्होंने अहद को तोड़ा, प्रॉमिस को तोड़ा, तो इन पर जो है अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नाराज़गी को का इजहार किया है। और बिस्मिल्लाह में देखे कि अल्लाह की मर्सी जो है, अल्लाह की रहमत जो है वह हमें नज़र आती है। एक ये भी रीज़न कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। एंड एक तीसरा जो रीज़न हमें स्कॉलर से मिलता है वो ये कि सूरह अनफाल जो इससे पहले हमने सूरत पढ़ी और सूरह तौबा, ये दोनों का जो टॉपिक है, दोनों का मजमून जो है वो एक ही है। कुछ लोग इसको दोनों सूरत को एक ही सूरत इंक्लूड करते हैं। बहरहाल जो भी हो, बस हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा, नहीं लिखा, तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। कितनी बड़ी दलील है देखिए इस बात पर या इस सूरत पर मुझे और आपको जो मिलती है वो ये कि कुरान के किसी भी आयत में हम किसी भी तरीक़े की कमी बेशी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का हाल है ना कि जब दुआ कुरान की ही दुआ जब पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल कि रब्बना आती ना फिल दुनिया हसनतं व फिल आखिरति हसनतं व क़िना अज़ाबन्नार, दैट्स इट। कुरान में इतनी ही दुआ हमें मिलती है। लेकिन नाउज़ बिल्ला कुछ लोग वकीना अज़ाबल क़ब्र वकीना अज़ाबल मौत, न जाने क्या 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 इजाफा कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको कुरान की आयतों के साथ अपनी तरफ से अल्फाज को बढ़ाकर नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए लोगों को, ठीक है। चले हम सूरत को जो है वो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ। क्या है देखिए कि बराअतुन, सूरह तौबा के और बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक बहुत फैमिलियर एक मारूफ नाम है सूरह बरात। ओके, इसको सूरह बरात भी कहा जाता है। और देखिए कि आज बरात जो है हमारे समाज में कितना मारूफ है, जबकि बरात का मतलब क्या होता है, बेजारी का इजहार कर देना, ला ताल्लुकी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ अल्लाह सुभाना ताला बता रहे हैं कि अल्लाह सुभाना ताला ने ऐलान कर दिया, ला ताल्लुकी का ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से। किसके लिए भाई, किसके लिए? इल्लल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्होंने अहद किया। ओके, तुमने अहद किया जिन मुशरिकों से। अब यहाँ पे किस अहद की बात चल रही है, देखिए मुसलमान जब दूसरे किसी गैर मजहब के लोगों से प्रॉमिस लें तो उस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए, इस बात का खुलासा अल्लाह सुभान तआला कह रहे हैं, ठीक है, कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे मुशरिकों से अल्लाह और उसके रसूल का कोई ताल्लुक नहीं है जिनसे मुसलमान अहद करते हैं लेकिन वो अहद को तोड़ देते हैं। पूरा मैंने थीम, पूरा बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब क्या हुआ, इन्होंने अहद को तोड़ा। सुलह हुदैबिया की बात चल रही है, उसमें जो एक पॉइंट था कि जो है वो उस अहद को तोड़ दिया था कुफारे मक्का ने, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, ये फतेह मक्का के टाइम बाद की जो है आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, क्या करो, फसीहु फिल अर्दी, घूम फिर लो, खूब घूम फिर लो ज़मीन में 4 महीने। ये किस ज़मीन की बात है, ये मक्का के ज़मीन की बात है। अब यहाँ पर तुम मक्का की ज़मीन में 4 महीने जो है, अरबाता अशहुर के 4 महीने तुम जो है वो घूम फिर लो। कुछ लोगों को यहाँ धोखा ये लगता है कि ये 4 महीने यानी कि हुरमत वाले महीने, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये हुरमत वाले महीने नहीं है। ये वो महीने हैं, मैंने जैसे आपसे अभी जिक्र किया था कि ये जो ऐलान किया जा रहा है, ये ऐलान उस वक्त किया जा रहा है कि जिस वक्त यानी फतेह मक्का हो गया, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह में वो जो है वो दाखिल हुए। उन्होंने वहाँ पर जो 300 जो कितने उनके बुत रखे हुए थे, तो वो पूरे बुत को उन्होंने जो है वो तोड़ा। आप सोचिए ज़रा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतने साल यानी 13 साल मक्के में रहकर कभी उनके बुतों को हाथ नहीं लगाया। तवाफ करते थे, इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे बैतुल्लाह में, लेकिन कभी भी अल्लाह के रसूल ने जो है वो उनके बुतों को छुआ तक नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि 9 हिजरी में जब फतेह मक्का हो गया और उसके बाद जो है अल्लाह के रसूल ने जो है वो बुतों को तोड़ा जो उसके अंदर बुत रखे हुए थे। ठीक है, और इसके बाद जो है वो तोड़ा, उसमें कबूतर की भी जो बड़े बुत रखा था उसको भी तोड़ दिया। और उसके बाद जो है सहाबा को अल्लाह के रसूल ने जो है वो मक्का में भेजा, किस लिए कि जाकर जो कब्रें ऊंची हैं उसको जो है वो मतलब इक्वल कर दो, और मंदिर वगैरह जो है उनके भी जो है मज़ारों को सब ख़त्म करो, उनके बुतों को गिरा दो, सब कुछ। और इतना सब करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना वापस आ गए। अब जब देखिए कि फतेह मक्का हुआ ना, मदीना वालों को एक बड़ी बात चुभने लगी। अब क्या होगा, शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मक्के में ही रहने लगेंगे, यानी कुछ ऐसी बातें उनके जहन में आ रही थी। लेकिन वहाँ पर सब ये काम करवाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस आ गए थे। यस, 8 हिजरी की बात बता रही जब फतेह मक्का हुआ था, ये सारा मामला हुआ, बुतों वगैरह को तोड़ दिया गया। देन उसके बाद जो 9 हिजरी में जब हज का महीना आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, यानी कि मक्का में इन लोगों की तरफ अमीर बनाकर भेजा। और उसके बाद जो है देखिए कि उनके पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी भेजा। क्यों? वो इसलिए कि कहीं कौम के लोग जो हैं ये शिकायत ना करें कि अरे अबू बकर तो हमारी बिरादरी का नहीं है, हमारे ख़ानदान का नहीं है। देखिए उस वक्त भी ये सारे यूनो के मामला चलते थे, बड़े अड़ियल लोग थे वो, तो कहीं वो लोग ये इशू ना निकाल दें, नहीं नहीं हम अबू बकर की बात नहीं सुनेंगे, ये हमारे ख़ानदान का नहीं है। जैसे आज के टाइम पर क्या फितने हैं, हमारे मसलक का नहीं है, ये हमारे जो है वो जमात का नहीं है, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। सेम थिंग पहले भी ऐसा बड़ा इशू हुआ करता था। तो अब आप देखें कि उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर हैं, ओके, उस वक्त थे, उनके उनके ऊपर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो उनके अंडर में जो है भेजा जा रहा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इस बात को मैं क्यों बार बार आपसे कह रही हूँ, कुछ लोग नाउज़ बिल्ला कि जो सहाबा पर उंगली उठाते हैं, आप देखिए कि मुसलमान का एक तबका जो अपने आप को मुसलमान तो कहता है, लेकिन नाउज़ बिल्ला जब वो सहाबा की सीरत को अपने समाज के सामने पेश करता है तो नाउज़ बिल्ला इस कदर जो है वो उनके कैरेक्टर पर इतना कीचड़ उछालता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। बहुत अफसोस हुआ मुझे, कई ऐसे जो है वो उनकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जिस पर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बड़ी उंगलियां उठाई गई हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर। बहरहाल उसके बाद देखिए हुआ क्या, खैर वो लोग गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गए। और फिर उसके बाद जो है उस वक्त ये जो आयते हैं ना, बिल्कुल सूरत तौबा की जो बिल्कुल शुरू की आयते जो हम कर रहे हैं कि बरा अतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, क्लियरली उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि देखो अब अल्लाह और उसके रसूल का कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए अहद किया तुमने जिन मुशरिकों से, क्यों? क्योंकि उन्होंने अहद को तोड़ दिया था। और घूम घूम कर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने हज के मौके पर इस बात को, इस सूरत की आयत को जो है वो बिल्कुल इस तरीके से जो है वो ऐलान कर दिया। और उसी के साथ साथ बिल्कुल आयतें जो चल रही है यही बात उन्होंने किया कि तुम इस ज़मीन में 4 महीने चल फिर लो, हाँ वालमो, और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, तुम अल्लाह को नहीं हरा सकते। बड़े मज़े कर लिए तुमने मेरे यार, अल्लाह के रसूल को परेशान करके, मुसलमानों को परेशान करके, अब तुम जो है वो अल्लाह को बिल्कुल भी आजिज़ नहीं कर सकते हो, बल्कि अल्लाह सुबहान तला ने जो हुक्म दे दिया है अब वही जो है उस पर अमल किया जाएगा। और उसके बाद देखिए कि 4 महीने के बाद, अब उसके बाद जो है वो काफिरों को ये चांस दिया गया, उनको वार्निंग, चांस भी नहीं मैं समझती, वार्निंग दे दी गई थी उनको कि पहले के तौर तरीके को तो उस पर तुम अमल अब नहीं करोगे, या तो तुम मुसलमान बन जाओ या तो यहाँ से निकल जाओ।
और उसके बाद इस आयतों के जरिए वाकई बहुत खूबसूरत लेसन हमें मिलता है। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं वो अल्लाह मुखज़िल काफिरीन, और ये भी ऐलान कर दो कि अल्लाह तो काफिरों को जो है वो रुस्वा करने वाला है। अल्लाह अकबर, सोचे आप जरा, यानी उन्हें वार्निंग दे दी गई, रहना है तो तुम्हें मुसलमान बन के रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें अल्लाह सुबहान तला बहुत रुस्वा करने वाले हैं। उसके बाद आयत नंबर 3 में देखें, ये भी बहुत जो है वो खूबसूरत बात बताई जा रही है, वह अज़ानु मिनल्लाहि व रसूलिहि, और ऐलान है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, ठीक है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान है किसके लिए, इलन्नासी, तमाम इंसानों के सामने। और कब ये ऐलान किया जा रहा है कि मुशरिकों से अल्लाह और उसके रसूल का कोई ताल्लुक नहीं है, कब किया जा रहा है, यौमल हज्जिल अकबर। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं कि हज अकबर किसको कहा जाता है, कोई मुझे बताएगा, हज अकबर किसको कहा जाता है, बोलिए, एनी आइडिया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैंने सुना है कि इन्हें हमारे समाज में ये बात बड़ी मारूफ है कि जुमा के दिन अगर हज का दिन आ जाए तो उसको हज अकबर कहा जाता है। ये बहुत बड़ी गलत बात है जो समाज में फैली हुई है। देखिए हर हज जो होता है हज अकबर होता है वो, ठीक है, जो क्यों, क्योंकि अरब जो है उमरा को हजे जो है हजे असकर कहते हैं, उमरा जो होता है उसको छोटा हज कहा जाता है, और जिन हज्जा में जो हज किया जाता है उसको बड़ा हज कहा जाता है। तो ये ऐलान जो हो रहा है ना मुशरिकों के ताल्लुक से कि अल्लाह और उसके रसूल का कोई ताल्लुक नहीं है, ये जिल हज्जा की 10 तारीख को ऐलान किया जा रहा है। देखिए इस आयत को समझने के बाद तो प्लीज आप लोग तो कम से कम ऐसे जो है जाहिलों वाली बात मत करिएगा किसी के सामने। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर अल्लाह सुबहान तआला उन्हें तौफीक दे देते हैं और वो हज के लिए अगर जाते हैं, और इत्तेफाक से अगर जिस साल में वो जा रहे हैं उस साल में अगर समझिए कि जुमा के दिन हज का दिन आ गया, अल्लाह की पना, इतनी अकड़ उनके अंदर रहती, देखो हज अकबर हम करने जा रहे हैं, इतनी अकड़, यहीं से बंदा अकड़ अकड़ के जाता है। तो ये देखा है, मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आपके सामने अगर कोई ऐसी चली चली से बात करे तो आप उन्हें कह दे भाई हर हज जो है हज अकबर होता है, और छोटा हज किसको कहा जाता है, उमरे को कहा जाता है। ठीक है, चलें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो सुना मैंने तो शेयर कर लिया आपसे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज के बड़े दिन में तमाम इंसानों का ऐलान है कि अल्लाह और उसके रसूल का जो है मुशरिकों से कोई ताल्लुक नहीं है, कि अल्लाह बरी उमिन अल मुशरिकीन व रसूलहू। अगर ग्रामेटिकली आप थोड़ा सा भी इसको समझे ना आयत को, तो बहुत किसी किसी के कुरान में देखिए कि एहतियात लिखा हुआ होता है, क्यों, देखिए ये ऐलान कर दीजिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तमाम इंसानों के सामने हज के बड़े दिन को, ऐलान क्या है, अन्नवाह, कि अल्लाह कैसा है, जिम्मेदारी से बरी है मुशरिकों की, यानी मुशरिकों से अल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है, व रसूलहू, और उसका रसूल भी बरी है, उसके रसूल का भी कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए व रसूलहू, अगर कुरान आपके सामने तो आप देखिए, अगर गलती से आपने ये रसूलू के लाम के पेश को अगर आप यहाँ पर जबर पढ़ देती तो नाउज़बिल्ला, तो मैं नाउज़बिल्ला, ये मीनिंग, ये तर्जुमानी ऐसी हो जाती नाउज़बिल्ला कि अल्लाह तो मुशरिकों से भी और अपने रसूल से भी बेजार है, अस्तग़फिरुल्लाह। कितना बड़ा जो है यहाँ पर देखे कि एक गुनाह लेने वाली बात हो जाती, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि इसलिए जो है ग्रामेटिकली इसको समझना या फिर जो हम तिलावत करते हैं तो इसको बहुत एहतियात से जो है वो तिलावत करनी चाहिए। ठीक है, चले, अब हुआ क्या, ये तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया, बड़ी हैरत की बात है, अल्लाह का और उसके रसूल का शिर्क करने वालों से कोई ताल्लुक नहीं। आज मुसलमानों की ये बात क्यों समझ नहीं आती है कि जो मुसलमान आज शिर्क की तरफ जा रहे हैं या शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, चले, फिर कब इनका जो है वो ताल्लुक बनेगा,
कब अल्लाह सुबहान ताला उनको अपना बंदा बनाएगा। फइन तुबतुम फहुवा खैरुल लकुम, और अगर तुम बास आ जाओ, तुम तौबा कर लो, तुम बास आ जाओ तो बहुत बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और सुन लो, और अगर तुमने फिर से ऐसा ही किया, यानी मुखालिफत में अगर तुम खड़े हो गए अल्लाह और उसके रसूल की, फअलमु अन्नकुम गैरु मुजिज़िल्लाह, फिर बात आगे देखिए, तो खूब अच्छी तरीके से जान लो कि तुम सब अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते हो। वबशिरिल लज़ीना कफरू बिअज़ाबिन अलीम, और खुशखबरी दे दो काफिरों को दर्दनाक अज़ाब की। खुशखबरी की बात क्या है इसके अंदर? दर्दनाक अज़ाब अल्लाह सुबहान तआला दे रहे हैं और उस पर ये कह रहे हैं कि इनके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, इसलिए कि यहाँ पर आप देखो कि कैसे इन ये जो है आज इस तरीके की बातें कर रहे हैं, अल्लाह के उसके रसूल की नाफरमानी कर रहे हैं और सोचते हैं हमारा फ्यूचर बहुत सिक्योर होगा, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं इनको बता दो इनका फ्यूचर जो है वो दर्दनाक अजाब है। फ्यूचर को लेकर आदमी बड़ा परेशान होता है ना, तो इन्हें ये कहा गया है खबरदार कर दो, इन्हें खुशखबरी दे दो दर्दनाक अजाब की। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला बता रहे हैं, अब इस आयत को भी ध्यान से सुनेगा। देखिए, अगर तर्जुमानी के लिहाज से ले ना तो बहुत एहतियात से सूरत तौबा की जो है वो तर्जुमानी करनी पड़ती है, क्योंकि ज़रा सा अगर यहाँ से वहाँ अगर कुछ हुआ पूरी तर्जुमानी बदल जाएगी। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, इल्ला लज़ीना, सिवाय उन लोगों के, यानी ये दर्दनाक अजाब से कौन जो है वो इस्तस्ना है, कौन लोग बचे हुए हैं, कौन लोग हैं? तो ये वो लोग हैं कि कौन से, अहद तुम, अहद किया तुमने जिन मुशरिकों से, फिर नहीं वो कमी करते हैं तुम्हारे साथ अहद में कुछ भी, और नहीं वो मददगार बनते हैं तुम्हारे खिलाफ किसी के। ठीक है भाई, तो तुम भी पूरा करो उनके साथ उनके किए हुए वादे को उनकी मुद्दत तक, बेशक अल्लाह वो तो पसंद करता है अहद को तोड़ने वालों, यानी अहद को तोड़ने से बचने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। अब इसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में मैं आपको कोशिश करती हूँ समझाने की। यहाँ पर देखिए कि अल्लाह सुबहान ताला ने किससे कहा कि मेरा और मेरे रसूल का ताल्लुक नहीं है, बताएगा आप में से कोई मुझे? अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक किससे नहीं है, बोलिए। मुशरिक से। वेरी गुड, मुशरिकों से। अच्छा, ये कौन से मुशरिक हैं? जो जिन्होंने अहद को तोड़ दिया, मुसलमानों का वादा उनसे है, एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला बोल रहे इनको तो दर्दनाक अजाब मिलेगा। हाँ, लेकिन अब सारे लोग ऐसे नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं तुमने उनसे वादा किया है, हाँ, लेकिन वो तुम्हारे वादे को नहीं तोड़ते हैं, तुम्हारे खिलाफ जो है वो तुम्हारे दुश्मन कोई हेल्प भी नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अब इनसे किए हुए वादे को पूरा करो, चाहे वो वादा तुम्हारा एग्रीमेंट दोस्त दो महीने में ख़त्म हो, चार महीने में ख़त्म हो, एक साल में ख़त्म हो, उस वादे को पूरा करो। आप देखिए किससे बात की जा रही है, एक मुसलमान गैर मजहब के लोगों से कुछ वादा अगर, कुछ एग्रीमेंट उसने अगर किया है किसी भी चीज को लेकर, उसको पूरा करने का हुक्म अल्लाह सुबहान ताला कुरान में दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। देखिए आज देखिए कि लोग आयत का कुछ कुछ टुकड़ा उठाकर और इस तरीके से जो है वो समाज में पेश करते हैं कि देखो देखो मुसलमान जो है वो टेररिस्ट है, वह मारता है, और इस तरीके से उनके कुरान में लिखा है कत्ल कर दो, मारो, पकड़ो, ये वो। नहीं, बहुत गलत बात है। टर्म्स एंड कंडीशंस को समझाएं, अल्लाह ने बहुत चांस दिया, यहाँ तक कि अल्लाह सुबहाना ताला तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देता है इस बात को कि तुमने किसी से वादा किया है तो उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। और उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, आपके आसपास में अगर समझिए कि ऐसे कोई नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, कुछ नहीं, वो भी सुकून से हैं, आप भी, वो भी अमन से रहना चाहते हैं, आपको भी अमन से रखना चाहते हैं, आप, वो आपको परेशान नहीं कर रहे, तो आप भी उनको किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुम उनके वादे को पूरा करो, जो भी तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है ना उसको पूरा करो, ठीक है, चलो। और अल्लाह ताला तो पसंद करता है जो भी वादे को तोड़ने से बचता है। देखिए कि युहिब्बुल मुत्तकीन आया है,
यहाँ पे तकवे का क्या लेवल है, यहाँ पे किस तकवे की बात है। अहद को पूरा करने वाला इंसान मुत्तकी होता है। जो प्रॉमिस अगर किसी से किया हो, चाहे वो अपने मुसलमान भाई से किया हो या नॉन मुस्लिम भाई से किया हो, उसको पूरा करने वाला अल्लाह की नज़र में मुत्तकी होता है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए ठीक है, चलें। अब क्या हुआ, अब उसके बाद इनको वार्निंग दे दी गई, चलो भाई 4 महीने चर फिर लो, खूब जो है वो घूम फिर लो। और उसके बाद आयत नंबर 5 में अल्लाह सुभान तआला फरमाते हैं कि सुनो, फइज़ा सलखल अशहुरुल हुरुम, फिर जब गुजर जाए महीने हुरमत वाले। और पीछे भी देखिए कि सलख जो है, इन सलख जो है, पीछे आपको अगर नहीं, हम दौरे कुरान में हमने बहुत डिटेल में इस पर बात की थी। इन सलख का क्या होता है कि किसी चीज़ में से उस किनों की किसी चीज़ को उतार देना। ये अल्फाज जो है स्पेशली जैसे समझिए कि आप सांप होता है, ओके, सांप जो है वो अपने ऊपर से कैसे अपनी स्किन उतारता है। इसी तरीके से देखें कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा फिटिंग कपड़े पहनने की आदत होती है, कैसे वो लेगिंग्स वगैरह अपने पैरों से कैसे वो उतारते हैं, टाइट जीन्स वगैरह, जैसे कि वो अपनी स्किन उतार रहे हों। इन सलखा उसको ही कहा जाता है कि किसी चीज़ में से किसी चीज़ को उतार देना। अब क्या हुआ, जो इनको एक के टाइम पीरियड दिया गया था 4 मंथ्स का, तो अल्लाह ताला बोल रहे अब वो 4 मंथ्स की मुद्दत इनकी ख़त्म हो गई है। करे क्या, इनको क्या वार्निंग दी गई थी, या तो तुम मुसलमान बन जाओ और या तो फिर क्या है, इस ज़मीन को छोड़ के चले जाओ। अब क्या हुआ, दोनों ही बातें अगर किसी ने फॉलो नहीं किया, अब करना क्या है, फ़क्तुलुल मुश्रिकीना, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं तो क्या करो, जंग करो मुश्रिकों से जहाँ कहीं तुम पाओ, और अपनी गिरफ्त में ले लो उन्हें, और घेराओ करो उनका, और बैठे रहो उनके लिए कुल्लु मस्फद, हर घात की जगह पर बैठे रहो। ये है वो पॉइंट। एक बात बताएं, क्या अल्लाह सुबहान ताला ने डायरेक्टली कह दिया पकड़ो मारो, जहाँ पे भी पाओ उनको गिरफ्तार कर लो और घात लगा कर बैठो, डायरेक्टली अल्लाह ने हुक्म दिया? जी नहीं, उन्हें टाइम दिया गया। यहाँ पर कितना अच्छा एटिकेट सिखाया जा रहा है, बहुत अच्छा अदब सिखाया जा रहा है कि किसी पर डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहिए, अदब सिखाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आप देखिए कि सारी इंसानियत के लीडर हैं वो। नाउज़ बिल्लाह अगर उनसे कोई ऐसी गलती हो जाती तो उम्मत के लिए तो बहुत बड़ी हुज्जत हो सकती थी, लेकिन अल्लाह सुबहान तआला ने बड़ी हिकमत सिखाई थी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आगे चल के उनकी उम्मत को भी इसी तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। ठीक है चले, तो हुआ क्या, अब अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, अब ये 4 महीने हो गए, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानी, अब इनके साथ सख्ती की जाएगी, पकड़ो उनको मारो जहाँ कहीं भी पाओ, और गिरफ्त में ले लो उन्हें, घेराव करो उनका, और उनको जो है वो हर घात में बैठे रहो, यानी एक भी मुशरिक। देखिए ये वो सोर्स है या फिर समझिए कि तरीका था कि आज वहाँ पर ना कोई बुत है वहाँ पर और ना कोई शिर्क है वहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें कि सफ़र जो अल्लाह ने करवाया ना वहाँ का, मक्का और मदीना का, तो आबो हवा इतनी खुशगवार, हवाएं इतनी अच्छी लगती है वहाँ की। और दूर दूर तक जब मैंने सफ़र किया तो अपने शोहर से मैं एक ही बात शेयर कर रही थी कि कितना सुकून है यहाँ की हवाओं में भी, यहाँ की कि इस एटमॉस्फेयर, यहाँ का सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी चीज़ की वो जगह अल्लाह सुभान ताला ने शिर्क और बुतों की गंदगी से पाक रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कि आप महसूस करेंगे ये चीज़ों को जाकर कि अल्लाह सुभान ताला ने उस रुए ज़मीन को, इस आयत से हमें बता रहे हैं अल्लाह सुभान ताला कि अल्लाह ने शिर्क से और बुतों से उस जगह को पूरा पाक कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने देखिए इतनी सख्ती के बाद भी कितनी एक नरमी रखी है, वो नरमी भी आपको महसूस होगी। आयत का अगला हिस्सा अल्लाह सुभान ताला फरमाते हैं, वइन ताबु व अकामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फखल्लु सबीलहुम, फिर अगर वो सब तौबा कर लें और कायम करें नमाज और अदा करें ज़कात, तो छोड़ दो उन्हें, उनका रास्ता छोड़ दो। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा तरीका अल्लाह सुभान ताला, कितना अच्छा अदब सिखा रहे हैं। अब क्या हुआ,
सीधे तरीके से नहीं जा रहे थे, अब पकड़े गए। अगर वो तौबा कर लेते हैं, वो अच्छा सिर्फ मुंह से तौबा 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 मेरी तौबा तौबा बोलकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि उस तौबा की जाहिरी सूरत आपको ये देखनी है कि वाकई अगर वो बंदा मुसलमान हो गया है तो वो जाहिर करे इस चीज को अल्लाह की इबादत करके, और जो है वो जकात जो है वो यानी इबादत नमाज देखे कि अल्लाह का हक है, जकात उसके बंदों का हक है, यानी हुकूकुल वाह और हुकूकुल इबाद अगर वो दोनों अदा करता है, देन फखल्लू छोड़ दो उन्हें, उनका रास्ता छोड़ दो। अब उनको न पकड़ना है, न मारना है, न उनको गिरफ्त में लाना है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये मत बोलो इन्ना वाह गफूरुर रहीम कि बेशक अल्लाह तो मग़फ़िरत करने वाला रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, देखिए यहाँ पर कि अल्लाह सुभान ताला अदब सिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर समझिए कि ये लोग अगर कहते कि भाई हम मुसलमान हो गए हैं और अगर ये नमाज अदा ना करते, जक़ात अदा ना करते, तो इनका मुसलमान होना साबित नहीं हो सकता था उस वक्त। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आज मुसलमानों पे अल्लाह ने बात जाहिर नहीं की इस तरीके से। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते अल्लाह ने एक दूसरे पर जाहिर नहीं किया, जक़ात अदा करते नहीं करते अल्लाह ने सबके अमाल को सबसे छुपा कर रखा है। लेकिन उस वक्त तो बड़ी भारी बात हुआ करती थी, जिसने जकात अदा नहीं किया वो मुसलमान नहीं, यानी जाहिर हो जाता था ना, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अंडर में हुआ करता था, तो सारी चीजें क्लियरली सामने नजर आ जाती थी। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अब ये कौन से लोग थे जिन्होंने क्लियरली सरेआम क्या किया, तौबा कर ली। ठीक है, एक ये लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे। कैसे? आयत नंबर 6 में अल्लाह सुभान व तआला फरमाते हैं कि वा इन अहदुम मिनल मुशरिकीन, और अगर कोई, ठीक है, कोई अगर समझो कि इक्का दुक्का ऐसा कोई मुश्रिकीन में से है, कैसा इस तजारा का कि वो आपसे पनाह मांगता है, मतलब कि देखो हमें अभी नहीं समझ आ रहा है कि हम इस्लाम कबूल करें नहीं करें, हमको थोड़ा सा चांस दे दो, तो अल्लाह ताला ने भी कहा फा अजीर हो, सुभान अल्लाह, दे दो उनको चांस, उनको पनाह दे दो। कब तक? कब तक उनको तुम्हें चांस देना है, कब तक उन्हें पनाह देना है? हत्ता यस्मा कलाम वाही, यहां तक के वो सुन ले अल्लाह के कलाम को, सुम्मा अब्लिगहु मना, फिर पहुंचा दीजिए उसे उसके अमन के मकाम तक। यानी अगर कोई अल्लाह के कलाम को समझने के लिए सुनने के लिए अभी उस जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि देखो दीन इस्लाम को मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूँ, जस्ट मुझे आप टाइम दे दें। अल्लाह ने भी कहा कि दे दो उसको टाइम, और वो आपकी कस्टडी में रहेगा, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता, फिर उसके अमन की जगह पे उसको पहुँचा दो। यानी अब उसने सुन लिया अल्लाह के कलाम को और फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो जस्ट लीव देम, उनको जाने दो आराम से। और अल्लाह ताला कहते हैं कि सुनो, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअलमून, ये लोग ऐसे हैं कि जिन्हें मालूम ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। यकीन जाने मैंने अपनी ज़िंदगी में वाकई ऐसे लोगों को देखा है, नाम के मुसलमान, नाम से आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि हाँ भाई ये मुसलमान ख़ानदान का है, लेकिन ना उन्हें दुनिया का सही से कुछ पता है, ना उन्हें दीन का सही से कुछ पता है, वो ना किसी के चक्कर में आते हैं, ना कुछ करते हैं, ना कुछ भी नहीं करते हैं। यानी मुसलमानों में भी इतनी कैटेगरीज हो गई है ना, लेकिन किसी को फॉलो नहीं करते, एंड दे डोंट नो कि क्या इस्लाम है क्या कुरान है। बस हाँ, मुसलमान है, रोजा रखा तो रखा ठीक, नहीं तो फिर ईद तो मनाना ही है, ऐसे मुसलमानों को हमने देखा है। अल्लाह ताला बोल रहे जाने दो, इनको सुनने दो, अल्लाह का कलाम सुन के अगर ये दिन इस्लाम कबूल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जस्ट लेट गो देम, ओके। और ये पता है मैं तुम्हें क्यों परमिशन दे रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है कि वो क्या अमल कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 6 तक हमारा हो गया अल्लाह के हुक्म से। सुभानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिका, نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفر ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته